हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 स्टैटिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले की वीडियोस में हमने इसके 11 क्वेश्चन है जो कंप्लीट कर लिए, तो 12th क्वेश्चन देखिए। टू फोर्सेस पी एंड क्यू हैव अ रिजल्टेंट आर, उनका रिजल्टेंट कितना है? आर उनका रिजल्टेंट है पी एंड क्यू का, ठीक है। इफ़ फोर्स भी इंक्रीज्ड, हमने फोर्स पी को क्या किया, इंक्रीज्ड कर दिया। देन द न्यू रिजल्टेंट बायसेक्ट्स द एंगल बिटवीन आर एंड पी, तो जो नया रिजल्टेंट बनेगा ना, जब हमने उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया तो नया रिजल्टेंट फॉर्म होगा। जो नया रिजल्टेंट बनेगा वो क्या करेगा, बायसेक्स करेगा एंगल को आर और पी को। तो हमें इंक्रीज निकालना है पी के अंदर, कि पी के अंदर कितनी इंक्रीमेंट हुई। देखो, हमारे पास ये पी है, ये आर है, ये सेंटर है हमारा ओ, यहाँ से पी जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है। इसने बोला पी को हमने इंक्रीज किया था, हमने पी को इंक्रीज किया। पहले तो देखो, जो पी है ये पी ए पॉइंट तक, ये क्यों बी पॉइंट तक, इनका रिजल्टेंट निकाला हमने, जो कि सी है और ये आर इनका रिजल्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जब हमने इसको इंक्रीज किया, पी को इंक्रीज किया, तो इसका रिजल्टेंट देखो, हमने डॉटेड लाइन में इसको पैरेललोग्राम बना दिया। तो इसको अगेन हमने जब इसका रिजल्टेंट बनाया तो वो आर डैश बन गया, ठीक है। तो आर डैश इनको क्या कर रहा है, इन दोनों एंगलों को बायसेक्ट्स कर रहा है वन एंड टू पे, ठीक है। जो थ्योरी लिखनी है वो देखिए आप, लेट गिवन फोर्सेज पी एंड क्यू बी रिप्रेजेंट इन द डायरेक्शन बाय ओ ए एंड ओ बी। ओ ए ओ ए और ओ बी में हमने इनको रिप्रेजेंट किया। कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए एंड ओ सी, कहाँ है ओ ए एंड ओ सी, जो इसको कंप्लीट कर रहे हैं भाई, ठीक है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओ सी। ओ सी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, रिजल्टेंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। लेट द फोर्स रिस्पेक्टेड बाय ए ए डैश, ये इंक्रीज हुआ था जो हमारा फोर्स ये है, देन रिजल्टेंट आर डैश रिस्पेक्टिवली, रिजल्टेंट हमारा आर डैश बन जाएगा, ठीक है, बाय डायगनल ओ सी डैश, जो डायगनल ओ सी डैश आपको दिख रहा है ये हमारा रिजल्टेंट है आर डैश। बायसेक्ट्स द एंगल बिटवीन आर एंड पी, जो आर और पी के बीच के एंगल को बायसेक्ट्स कर रहा है। इतना क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखिए आप लोग, हमारे पास एंगल बन रहे, हमारे वन और टू हमारे एंगल दिख रहे हैं आपको। अब देखो, हमारा जो एंगल वन है और एंगल टू है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या बोला था कि वो उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स करेंगे, ठीक है। और हमारा एंगल वन और एंगल थ्री भी इक्वल होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखिए, ये देखिए, वन और थ्री एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को बायसेक्ट हो रहे थे, तो ये भी इक्वल हो गए। जब वन और टू इक्वल है तो वन और थ्री भी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल टू है वो एंगल थ्री के इक्वल है, ठीक है। हमारा एंगल टू क्या है, ओ सी हमारा एंगल टू है, ओ सी हमारा एंगल टू है, और हमारा एंगल थ्री क्या है, सी सी डैश हमारा एंगल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओ सी इजक्वल्स टू सी सी डैश, ठीक है। सी सी डैश इजक्वल्स टू ए ए डैश, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी ना, सी सी डैश ए ए डैश के इक्वल हो जाएगा। देखो, जो ये सी सी डैश होगा, फिर ये ए ए डैश के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, ये दोनों भी पैरेलल होगी, तो सी सी डैश इजक्वल्स टू ए ए डैश, ठीक है। उसके बाद में ओ सी इजक्वल्स टू ए ए डैश, अब देखो सी सी डैश ओ सी के इक्वल था ना, सी सी डैश ओ सी के इक्वल था, अब सी सी डैश ए ए डैश के भी इक्वल है, तो ओ सी ए ए डैश के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए ए डैश इजक्वल्स टू आर आ जाएगा हमारे रिजल्टेंट के, और पी इजक्वल्स टू आर आएगा, इंक्रीज इन फोर्स पी इजक्वल्स टू आर, जितना भी इंक्रीज होगा फोर्स में वो आर हो जाएगा, बिकॉज ए ए डैश हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। ओ सी हमारा क्या होगा, आर हो जाएगा। देखो, ओ सी हमारा कितना है, आर है, और ओ सी ए ए डैश के इक्वल था, तो ए ए डैश इजक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो आर कितना इंक्रीज हो रहा है पी में, देखो ए ए डैश तो हमारा पी में इंक्रीमेंट आ रहा है जितना भी हो रहा है, ठीक है, और वो इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, मतलब जो हमारा इंक्रीमेंट आया है पी में वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्सेस पी एंड पी एंड क्यू मेक्स एंगल टू थीटा विद द लाइन ऑफ एक्शन पी, पी इज नाउ रिप्लेस्ड बाय पी प्लस आर, क्यू रिमेनिंग एक्सचेंज सो दैट द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद पी। ये 13 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। दो क्वेश्चन छुड़वाए हैं मैंने इसमें, सिर्फ आपको 8th क्वेश्चन खुद करने के लिए बोला था, और एक ये क्वेश्चन खुद करने के लिए बोला है, कौन सा, ये 13 वाला, ठीक है।
ट्राई कीजिए इनको, अगर फिर भी डाउट आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए, इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज एन टाइम्स द लीस्ट, ठीक है, शो दैट द एंगल अल्फा बिटवीन पी एंड क्यू एंड देयर रिजल्टेंट इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। हमें ये प्रूफ करना है। इसने क्या बोला है, इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज एन टाइम्स द लीस्ट, ठीक है, तो देखो हमने ये बोला ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा और पी माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट क्या होगा, पी प्लस क्यू, और जब इसने लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस बोला पी एंड क्यू तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा लीस्ट मतलब कम हो जाता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट जो रिजल्टेंट होगा, जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होगा वो लीस्ट एंड टाइम्स होगा लीस्ट के, ठीक है, एंड टाइम्स होगा लिस्ट के। तो ग्रेटेस्ट तो पी प्लस क्यों था, लिस्ट हमारा पी माइनस क्यों हुआ है, वो इसके एंड टाइम्स इक्वल होगा, तो इसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, एन से मल्टीप्लाई की हमने, तो पी प्लस क्यों इज इक्वल्स टू एन की पी से मल्टीप्लाई, एन की क्यों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या है इस पी वाले टर्म्स को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो पी क्या आ जाएगा, वन माइनस एन हो जाएगा, और माइनस एन क्यू एज इट इज़ क्यों को भी हम उस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू कॉमन निकाल लिया यहाँ से, एन प्लस वन अपॉन में वन माइनस एन हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब इस एन वन माइनस एन को हम एन माइनस वन कर दें, माइनस कॉमन ले ले, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एन प्लस वन अपॉन में एन माइनस वन हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हमारे पास क्या गिवन है, इसने बोला है कि शो दैट, जो शो दैट करना है मुझे, जो एंगल अल्फा है ना बिटवीन पी एंड क्यू के, व्हेन देयर रिजल्टेंट इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो उनका रिजल्टेंट आएगा ना वो ट्वाइस होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट किया इनके प्रोडक्ट का पी एंड क्यू का, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कोस अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट की जो इसने दे रखी थी, और जो हमें वैल्यू दे रखी है अब हमें वो वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू जो निकली थी वो पी की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है, ये एज इट इज़ पी जहाँ पे है वहाँ पे पी की वैल्यू हम लिखते जाएंगे। फिर हमने इसको खोला, यहाँ पे भी हम इसको ओपन कर देंगे, क्यू स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ से, क्यू स्क्वेयर हर जगह से क्यू स्क्वेयर कॉमन रह जाएगा, अंदर ये रह जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम सोल्व करेंगे, फोर एन प्लस वन अपॉन में एन माइनस वन, ये ए मैं इसको कंसीडर करके चल रही हूँ, ठीक, मतलब इतनी पूरी टर्म लिखने की बजाय मैंने ये लिख दिया, बट आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं कर सकते। देखो अब फोर एन प्लस वन अपॉन में एन माइनस वन, एन प्लस वन एन माइनस वन, ये ऐसे सोल्व कर रखा है इसने, ठीक है। आप इसको इस साइड लेके जाओगे, उसको उस साइड लेके जाओगे, इस टर्म को आपने सोल्व की, इससे ये कैंसिल कर दिया, ये रह गए, ठीक है। फिर फोर एन प्लस वन एन माइनस वन रह गया, ये टर्म्स एज इट इज़ रख दी, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये रह जाएगा आपके पास, इसको आप ओपन करोगे तो इस टू एन से टू एन कट जाएगा, ठीक है। फिर ऐड करोगे टू एन, टू एन का स्क्वायर प्लस में जो भी कॉमन रह रहा है वो कॉमन निकालोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, फिर कुछ टर्म्स को इस साइड लेके जाओगे, कोस वाले टर्म को उसी साइड रखोगे, फिर इनको सोल्व करोगे, फिर कुछ कॉमन आएगा, फिर कुछ काट दोगे, लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन में एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू कोस अल्फा। हमें इन क्या निकालना है, हमें टेन निकालना है, हमारा क्वेश्चन किस में आना चाहिए, टेन में आना चाहिए। तो टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कोस अल्फा अपॉन में वन प्लस कोस अल्फा, ठीक है। तो मैं कोस अल्फा की वैल्यू दोनों जगह पुट की, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, एन स्क्वेयर माइनस वन माइनस एन स्क्वेयर प्लस क्यूब, इसको कैंसिल करके आपके पास ये आ जाएगा। लास्ट में सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, और टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि वन माइनस कोस अल्फा अपॉन में वन प्लस कोस अल्फा होता है, ठीक है। अब देखो 15th क्वेश्चन देखिए आप लोग, टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्ट एट एन एंगल अल्फा एंड हैव अ रिजल्टेंट आर, उनका रिजल्टेंट आर है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय आर, अगर हम सभी फोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हैं आर से, ईच फोर्सेज मतलब दोनों फोर्स को इंक्रीज किया आर से, प्रूव दैट द न्यू रिजल्टेंट मिक्स विद आर एंड एंगल, प्रूव करना है कि वो नए एंगल के साथ आर एंगल कुछ बना रहा है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले तो हम हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला
टेन थीटा इज कर्स टू क्यू साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर किया हमने। फिर हमारे पास टेन अल्फा दे रखा उसने, टेन अल्फा में क्या लेंगे हम, क्यू प्लस आर लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्ट एट एन एंगल अल्फा एंड हैव देयर रिजल्टेंट आर, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय आर प्रूव दैट द न्यू रिजल्टेंट मेक्स एन विद आर एन एंगल। ठीक है, हमने फाई मान के चला कि जो नया भी बनेगा कुछ भी एंगल, ठीक है, तो क्यू प्लस आर कर दिया, क्यू में भी आर ऐड करेंगे पी में भी आर, क्योंकि आर दोनों साइड्स आर से इंक्रीज होती है। जैसे ये हमने मान के चला पी है, ये हमने मान के चला क्यू है, तो दोनों आर से ऐसे इंक्रीज होकर चल रही है वो। ठीक है, तो हमने ये ले लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। फिर ठीक है, इन दोनों को हमने माइनस किया है, मतलब हमने क्या लिया कि टेन अल्फा माइनस थीटा हम लेके चलेंगे। तो टेन अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपोन में वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ऐसे करा टेन फाइव माइनस टेन थीटा अपोन में वन प्लस टेन थीटा और टेन फाइव। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके चलेंगे। टेन फाई की वैल्यू पुट कर दी, टेन थिट्टा की वैल्यू पुट कर दी, वन एज इट इज़ रखा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन और माइनस प्लस तो आप कर सकते हो वैसे भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने इसको नीचे एलशियम लिया, इसका भी नीचे एलशियम लेंगे, तो एलशियम से एलशियम कट हो रहा है। ये कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है और कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन रहेगा, साइन आएगा, कोस आएगा, यहाँ से कुछ आएगा। आप इस ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि हमें अब अंदर मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट मैंने मल्टीप्लीकेशन आपके लिए कर रखी है, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा जो ऊपर की टर्म्स की थी, हमने मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पे भी देखो, ये भी कैंसिल हो रहा है, क्यों आर साइन कोस अल्फा, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे बस। ठीक है, अब नीचे भी कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो गई। यहाँ पे देखो, आर क्यू साइन स्क्वेयर अल्फा आर क्यू, इसमें देखो, इसमें तो हम दोनों को कॉमन लेके इसको वन के इक्वल रख सकते हैं ना, वन आ जाएगा ना दोनों, आर स्क्वेयर प्लस आर क्यू कॉमन लेके वन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज साइन स्क्वेयर अल्फा और कोस स्क्वेयर अल्फा कितना होता है, वन हो जाता है। ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें भी क्या आ जाएगा, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, और क्या रह गया हमारा, हमारे पास है पी क्यू कोस अल्फा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी कुछ बचेगा तो इनको कॉमन लेके हमारे पास आ जाएगा। ये देखो, पी आर और आर पी कोस अल्फा कॉमन ले लेंगे इनमें से और ये आ जाएगा। ठीक है, तो टेन फाइव माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट अलोंग टू स्ट्रेट लाइंस मेकिंग एन एंगल अल्फा विद ईच अदर एंड आर इज द रिजल्टेंट। टू अदर फोर्सेस पी डैश क्यू डैश एक्ट अलोंग द सेम टू लाइंस एंड हैव अ रिजल्टेंट आर डैश प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज। हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इसने सबसे पहले तो क्या बोला, टू फोर्सेज है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू है, इनका रिजल्टेंट हमने आर ले रखा है। ठीक है, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट हमने क्या ले रखा है, आर ले रखा है। उसके बाद इसने क्या बोला है, ये एंगल अल्फा बना रहा है इसके साथ, अल्फा हमने एंगल बना दिया इसके साथ विद ईच अदर एंड आर इज द रिजल्टेंट। टू फोर्सेज पी क्यू और पी डैश और क्यू डैश, जब पी डैश और क्यू डैश हमने टू फोर्सेज जोड़ लिए, एक्ट अलोंग द सेम टू लाइंस, इसी लाइंस के अलोंग भाई बिल्कुल सेम सेम इसके क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनका रिजल्टेंट आर डैश बोल दिया इसने भाई, हमने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आर डैश इनका रिजल्टेंट ले लिया। ठीक है, प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज, जो भी इसने बोला हमें वो प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग, ये अल्फा था, इसको हमने थीटा वन माना, इसको हमने क्या माना, थीटा टू माना। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। मतलब हमें थीटा वन माइनस थीटा टू निकालना है, थीटा वन में से थीटा टू माइनस करेंगे तो जो बीच का जो एंगल दिख रहा है ना आपको, हमें ये फाइंड आउट करना है, मतलब कि दोनों के एक्शन रिजल्टेंट के बीच का एंगल निकालने में। ठीक है, तो देखो हमारा फॉर्मूला, टेन थीटा वन लेके चल रहे हैं, क्यू साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पी बाय बी होता है,
एच क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट, मतलब इसने वैसे फॉर्मूला लगा रखा है हमारे पास कि जैसे हम बोलते हैं ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, तो टेन थट्टा क्या हो गया, पी बाय बी हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, फिर साइन का लगा दिया पी बाय एच, कोस का लगा दिया बी बाय एच, एज इट इज़ ऐसे हम लिख के चल रहे हैं इसको सबसे पहले तो, ठीक है। तो हमें पता है टेन थीटा कितना हो गया, क्यू अपॉन में साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू कोस अल्फा, इसको पी बाय बी हमने लिख दिया, फिर हमारे पास साइन थीटा वन आ गया जो कि पी बाय एच। हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व करना आपको आता होगा कि हम कैसे इसको रिजोल्व करते हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने कॉम्पोनेंट का रिजोल्वेशन भी किया था, ठीक है। देखो पी बाय एच, हमारा एच क्या है, हमारा रिजल्टेंट जो हमारा हाइपोटन्यूज है, देखो ये रिजल्टेंट हमारा एच हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन के केस में क्यू, क्यू साइन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट, वो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, उस केस में हमारा बेस ही होगा, ठीक है। तो हमने अपना परपेंडिकुलर लिखा और बेस वो हाइपोटन्यूज लिख दिया, ठीक है। कोस में क्या होगा, बी बाय एच हो जाएगा, बी बाय एच होगा हमारे पास, जो कि हमारा क्या होगा पी प्लस क्यू कोस अल्फा, जो ये हमारा बेस, बेस हमारा ये है, और एच हमारा क्या है, एच हमारा है आर। रिजल्टेंट हम क्या लेके चल रहे हैं, हमारा आर हम रिजल्टेंट लेके चल रहे हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी आपको दिख रहा है कि हमारा हाइपोटन्यूज़ कितना है, आर हमारा हाइपोटन्यूज़ है। चलो ठीक है, हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। आप यहाँ पे देखो, हमें पता है ना हाइपोटन्यूज़ का यूज़ करते हैं, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं उसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वायर कितना है, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में बी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये दोनों आपको दिख रहे हैं, क्यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो वन के इक्वल आ जाएंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। तो पी और बी तो एज इट इज़ आपको दिख रहे हैं, पी और बी तो आपको एज इट इज़ दिख रहे हैं, और एच की वैल्यू हमने निकाल दी, तो हमारे पास साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हम निकालेंगे टेन थीटा टू, ठीक है। टेन थीटा टू हम निकालते हैं, तो टेन थीटा टू फिर उसमें हम क्यू डैश और पी डैश को कंसीडर करके चलते हैं, ऐसे फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमने साइन की और कॉस की वैल्यू निकाल दी। अब हमें प्रूफ, ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, जो कि है कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा वन माइनस में थीटा टू, जो कि हमें सोल्व करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसकी जगह थीटा लिख दिया, और हमने इनकी वैल्यू निकाली, देखो साइन थीटा टू की साइन कॉस थीटा की, इन सब की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सिर्फ इस वैल्यूज़ को नॉर्मली इसमें पुट करना है, ये वैल्यू हमने लिखी, इस वैल्यू को हमने पुट किया, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, नीचे आर आर डैश आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे हम, हमारे पास ये आएगा, कुछ कॉमन लेंगे, कुछ निकालेंगे हम कॉमन वॉमन, इनको सोल्व करेंगे, हमारे पास लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा था, कोस को साइड लेके चलेंगे तो कोस इनवर्स में हो जाएगा, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके जो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कुछ नोट्स मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।